गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रेगनेंसी का प्लान कब करना चाहिए, कब अंडा निकलता है, कब इंटरकोर्स करना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, IVF एंड फीटल मेडिसिन, गर्भस्थ शिशु स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ। अब बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी कब प्लान करना चाहिए, कब एग निकलता है, इंटरकोर्स कब करें और कब प्रेगनेंसी का सबसे मैक्सिमम चांस रहता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है एक प्लानिंग के लिए। सिंपल सी बात है कि ये यूट्रस है और ये दो ओवरीज हैं। इस ओवरी से जो नेक्स्ट पीरियड आएगा उसका -14, आपका यदि पीरियड रेगुलर आता है तो आप उस पीरियड को आप कैलकुलेटर से प्लान कर सकते हो। इससे जो -14 डेज होगा, इस समय एग निकलता है। इस एग को निकलने के लिए एक LH सर्ज नाम का एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन शरीर में एकदम से बढ़ता है लेडी के ब्लड में, फिर ये घटता है और इसके साथ ही इसके इफेक्ट से अंडा निकलता है। ये जो हार्मोन निकलता है, जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ऐसा ही इसका टेस्ट भी हो सकता है यूरिन से। जब ये एक लेवल के ऊपर जाता है तब ये यूरिन में भी जाता है। इस यूरिन में यदि आप टेस्ट करेंगे तो आपको LH कार्ड से या ओवुलेशन कार्ड से टेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक वेल मिलेगा और दो वो मिलेंगे, एक कंट्रोल और एक टी। यदि टी सी और टी दोनों में ये लाइन आती है तो ये कब करना चाहिए, इस स्ट्रिप को जब आप खरीदेंगे तब आपको उसका जानकारी मिल जाएगा। नॉर्मली 14 दिन के पहले 5 दिन से ये करना चाहिए, इसमें आपको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ओवुलेशन टेस्ट होगा, इस ओवुलेशन टेस्ट में जब ये पॉजिटिव आएगा इसके 24 घंटे बाद अंडा निकलता है। मतलब आपका जो इंटरकोर्स हो वो इसके आसपास यदि हो तो आपको प्रेगनेंसी के सबसे मैक्सिमम चांस होते हैं। पर कई बार जो कपल होते हैं वो इतने स्ट्रेस्ड होते हैं कि इस समय ये कवर नहीं हो पाता इंटरकोर्स में। तो ये ज़रूरी नहीं कि इसी समय हो। आप यदि इंटरकोर्स यदि ऑल्टरनेट डे में भी ये होता है तो भी इसमें काम होता है। कितने दिन पहले, इवन 7 डेज बिफोर भी यदि इंटरकोर्स होता है तो भी स्पर्म सर्वाइव करता है और एग को फर्टिलाइज कर सकता है। तो जो प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, खासकर ऐसी महिलाएं जो जिनका पीरियड रेगुलर हो रहा हो, वो अपने नेक्स्ट पीरियड के 14 डेज से माइनस करके डेट निकाल लें और यदि कार्ड खरीद लें और उसका 5 दिन से टेस्ट करके देख लें। यदि ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो डॉक्टर से मिलें। दूसरी बात, क्या ये स्पर्म 7 दिन तक वहाँ सर्वाइव करेगा? यदि ओवुलेशन अच्छा होता है तो ये जो बच्चेदानी है, इसका जो सर्विक्स है, जो बच्चेदानी का मुंह है, इसमें से जो लिक्विड निकलता है उस लिक्विड को, वो लिक्विड स्पर्म को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि टाइम्ड इंटरकोर्स इतना स्ट्रेसफुल हो कि हो ही ना पाए। तो डोंट पुश फॉर दैट डे ओनली। यू कैन हैव बिफोर 2 डेज और बिफोर 3 डेज। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन दैट डे, डोंट वरी, बिकॉज दिस क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन कपल कि हमारे उस समय पे इंटरकोर्स नहीं हो पाया इसलिए हम प्रेग्नेंट नहीं हो रहे। इट इज़ टोटली अ मिथ। स्पर्म इन गुड सर्विक्स कैन सर्वाइव अप टू 7 डेज। सो विद इन 7 डेज इफ यू हैव, देन नो प्रॉब्लम, यू कैन गो फॉर दैट। दिस शुड बी द प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी, जो कि प्लान कर रहे हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।